छोड़ती हूँ। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, भूल जाओ उसे, प्लीज करण प्लीज। तुमने देखा नहीं उसकी बीवी उसे कितना प्यार करती है? करण अगर तुम्हारा सच सामने आ गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। करण अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो वो और उसका परिवार बिखर जाएगा। करण प्लीज मेरी बात मान लो। प्यार करने का दावा करते हो तो प्यार के मायने भी समझो। प्यार किसी की जिंदगियों में रंग भरने का नाम है, किसी की जिंदगी से रंग चुराने का नहीं। कब तक दीदी के बारे में सोच रहे हो? बस इब से किसी के बारे में सोचना नहीं, आज आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अरे भाई उतरा खाना तुमने इतना बढ़िया बनाया कि मैं तो उंगली चाटता ही रह गया। चलो मैं भी तेरी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अरे ना ना ना, यो सब आप रहने दीजिए, यो मैं कर लूंगी। अरे ना जीजाजी, मन्नी कर लीजिए। अरे ना, मैंने कहा ना, आप छोड़ दीजिए। आप बस आंगन में चुपचाप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। छोड़ दीजिए ये सब। आंगन में नहीं, छत पे। छत पे भाई, मैं तो वहां तेरे साथ बैठ के गरम गरम कॉफी की चुस्की लेते हुए उस मौसम का आनंद लेना चाहूं। है? जैसा आप कहो, मैं तो बस आपको हर हाल में खुश देखना चाहूं बस। मैं भी तो बस अपने आप को ही खुश देखना चाहूं। हिम्मत से काम ले विद्या, सब सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखना, आपकी यू विद्या सब कुछ ठीक कर देगी। अब तो गौरव जी भी खतरे से बाहर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो उनके अपने लोग भी आ गए हैं, शोने संभाल लेंगे। बारिश भी ऐसी कमाल की चीज है, चांद की रोशनी में बारिश की बूंदे भी एकदम हीरे की तरह चमके हैं। ऐसी बारिश हो, गर्मा गर्म कॉफी हो, महकता हुआ संगीत हो और साथ में अच्छी कंपनी हो, भैया यो मजा तो शराब में भी नहीं मिलता। क्या जीजाजी, ऐसे मौसम से दूर रहकर तो यो लगे हैं जैसे नशे ने भी शराब की बोतल के अंदर बंद कर दिया हो। अरे बारिश का मजा तो खुलकर भीगने में से। सच बताओ तुम मने तो बचपन से ही बारिश में भीगने का घना शौक है। भाई मैं तो कभी भीग गया ही ना हूँ बारिश में, कभी मन ही ना करा। और बचपन से लेकर आज तक कभी मौका ही नहीं मिला।